तो सरकार के 9 साल के कार्यकाल को पूरा हो जाने के बाद सुशासन और गरीब कल्याण लाभार्थी सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए जनता को मोदी सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बस्तीवासियों को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज भारत की सराहना विदेशों में हो रही है, यह मोदी जी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा, कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अपराधियों का चारागाह था। प्रधानमंत्री आवास के लिए राम नरेश मधुआपुर प्रथम, राम सजीवन मधुआपुर प्रथम। जो अल्ट्रासाउंड का विषय आपने उठाया, शीघ्र पूरा करें। 600 फ्रॉड हुआ है अभी, और पिछले 4 सालों में हमें कोई भैया चिट्ठी दे दो, हमें कोई चिट्ठी बता दो किस कॉलेज में हुआ, हम कार्रवाई करेंगे। और हम देखिए सभी आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं, कल की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसमें कड़ी कार्रवाई है। तो क्या कुछ नहीं लगता है आपको, क्यों इस तरीके से? अब ये पुलिस तफ्तीश में बता पाएगी, लेकिन कोर्ट रूम में हर जरूरी है, पहले परेशान में होती थी, भाई इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार ने बहुत गंभीरता से ली। अखिलेश यादव और अखिलेश यादव से कहिएगा अपने गिरेबान में झांके, 17 से पहले उत्तर प्रदेश को अपराधियों का चरागाह बना करके छोड़ा था समाजवादी पार्टी ने, 100 बिल चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत को चरितार्थ समाजवादी पार्टी कर रही है। तो क्या जस्टिफाई कर रहे हैं जिस तरह? बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ, सभी आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेता हूँ और कड़ाई से कार्रवाई करूंगा, इसमें जो भी पर्दे के पीछे लोग होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये पुलिस बताएगी, आप भी पत्रकार हो जानते हो, ये पता चल जाएगा तो मैं